दोस्तों ये कैडेट्स है, कैडेट कॉलेज मस्तुंग में मेरा भाई का एडमिशन हुआ था। इसके सिस्टम वगैरह आप देख रहे हो, ये इनके बेल्ट वगैरह है और ये इनके सीनियर्स है। आप कौन सी क्लास में हो? एट्थ क्लास में हो। किस डिस्ट्रिक्ट से आप? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपका? क्वेस्ट है। तो ये कैडेट्स है, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? कौन सी क्लास में हो? कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? कोई डिस्ट्रिक्ट है। कैसा है माहौल कैडेट कॉलेज मस्तुंग का? अच्छा, जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप हेल्प कर रहे हो? सीनियर हो? चलो मेहरबानी। दोस्तों आप देख रहे हो ये इनकी प्रोसीजर और ये सीनियर्स इनकी हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी वक्त से लगे उनके सिस्टम को बहाल करने में। तो मैं आपको मजीद भी कमरों की विजिट करवाऊंगा इधर। कौन कौन रहा? ये हमारा सीनियर सेकंड ईयर सेक्रेटरी है। अच्छा, ये हमारा सीनियर। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, आप सीनियर सेक्रेटरी हो? खैरियत पर ठीक ठाक। कौन सी क्लास है आपका? सेकंड ईयर। सेकंड किस डिस्ट्रिक्ट से हो? सबसे बड़ा ये। खैरियत पर ठीक ठाक। सर आप देख रहे हो तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? क्वेस्ट है। माशाल्लाह, आप यहाँ के क्या हो? अर्जेंट कैप्टन। कैसा है माहौल यहाँ का? अच्छा, आपने 4 साल गुजारा यहाँ पर, कैसा फील हो रहा है? मीन्स आप हवा पढ़ाई भी? अच्छा 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 ठीक है। आप देख रहे हो दोस्तों ये कुछ कैरेट्स से रब्ता किया और नए कैरेट्स भी आ रहे हैं तो उनसे भी कुछ पूछेंगे सवाल। और ये सीनियर्स इनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। लिखा ऊपर देखते हैं तो हम जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा रोशन हफीज, स्पोर्ट कैप्टन। स्पोर्ट कैप्टन डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका? तुरबत। तुरबत से हो तो तुरबत से नसीम रोशन। रोशन भाई हमारे हेल्प कर रहे हैं कि हमें दिखा रहे हैं कि सीनियर्स के रूम्स वगैरह। और सीनियर्स के रूम में ये अकेले रहते? देखते हैं अकेले रहते हैं। ये कौन सी क्लास के? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर वाले बदमाश होते इसलिए अकेले रहते हैं? सेकंड ईयर के सब अकेले हैं। अच्छा, सेकंड ईयर वाले ये सब हमारा जूनियर सेक्शन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्त, खैरियत से खुश हो? आपका नाम? ज़ाहिर से। ज़ाहिर से बहुत शुक्रिया। तो रोशन भाई हमें अपने कैरेट्स की दिखा रहे हैं सिस्टम। ये लिडो भी यहाँ खेलते हैं? अच्छा, टेबल टेनिस। ठीक ठीक। या हफ्ते कितने खेलते हो? या बोले जूनियर्स का इस तरह होता है, जूनियर्स का हफ्ते में एक एक दिन होता है। अच्छा, सीनियर्स पूरे हफ्ते खेलते हफ्ते में। जूनियर्स का मखसूस एक दिन होता है बस। सेवंथ वाले का मंडे का मंडे होता है। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम होता है या स्पेसिफिक टाइम वो रेस्ट टाइम? अच्छा, एक दिन उनके लगते हैं 2 o'clock टू 4 o'clock। चलो रोशन भाई ने बताया कि यहाँ स्पेसिफिक डे के में ये खेलते हैं और लिडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड वगैरह। और यहाँ का वो कैरेट्स का व्यू, कैरेट का व्यू करवा रहे हैं आपको। तो ये देख रहे हो, वैसे मस्तूंग तो बहुत सरसब्ज इलाका है लेकिन ये टेनिस कोर्ट का ग्राउंड है हमारा। ये आप देख रहे हो, मैं आपको जूम करवा रहा हूँ, ये टेनिस ग्राउंड है। यहाँ एक माली अपने बकरियों के लिए शायद घास काट रहे, पता नहीं। तो ये कैरेट का व्यू है तो आप देख रहे हो दोस्तों, इंशाल्लाह आपको मजीद भी दिखाएंगे। तो आप लोग बताते हैं यहाँ का माहौल, जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनको तो पता नहीं इन चीज़ों के बारे में,
उनके ख्याल में मतलब यहाँ पर पिटाई भी होगी और पढ़ाई कैसा होगा। आप जब नए आए थे आप कैसे फील कर रहे थे? हम भी इन्हीं की तरह थे, हम भी नादान थे। अच्छा जी, बस कैडेट लाइफ देख लिया, बहुत मजा आया। अच्छा, उम्मीद है नए वालों को भी हम एंजॉय करवाएंगे। आप क्या बनना चाहते हो? मैं डिकरा पुंटा है। नो, मैं इंजीनियरिंग और मैं आर्मी में जाओगे। आप? मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर जो कैडेट लाइफ होती है, शुरू शुरू में बच्चा आता है वो बहुत परेशान होता है कि जब पहली मरतबा घर से दूर जाता है, लेकिन वक्त साथ वो स्टेबल हो जाता है। अच्छा अच्छा, 6 साल ऐसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम भी 7th दौर में आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये छोटी सी व्लॉग है, इंशाल्लाह हम आपको मजीद भी कैडेट कॉलेज की व्यू करवाएंगे। तो फिलहाल अपना की ख्याल। अरे तुम्हारे इसलिए इसमें रखे हो, फिर उसमें नहीं रखना है। हाँ बस तुम्हारा ही, तुम्हारा इधर इधर और पोस्टर।